सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो वैसे मैं आज क्लास से जल्दी आ गया हूँ, तो आज एक बहुत ही यूनिक ब्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ, जैसे डेली ब्लॉग करते हैं ना उस तरह का करूँगा। और वैसे हाँ, मैं अपने कॉलेज में आ गया हूँ क्योंकि उसके मेरे घर वाले ब्लॉग के बाद से मैं और कोई ब्लॉग ही नहीं किया था, बाकी शॉर्ट्स थोड़ा बहुत डाला था, बाकी और कुछ भी ब्लॉग नहीं डाला था। तो अभी टाइम हुआ है 1:10, धूप हो रहा है, ये वीडियो के चक्कर में मैं बाहर आया था, तो अभी अंदर जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि 1:30 तक अपना लंच आ जाएगा, तो थर्ड ईयर हो गया इसलिए जल्दी लंच आता है, तो लंच खाऊँगा, लंच का भी थोड़ा फुटेज इसमें ऐड कर दूँगा। 2 hours later दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बोला था कि लंच का व्लॉग मैं बनाऊंगा, तो लंच का व्लॉग तो बना नहीं पाया क्योंकि मैं इतना भूख लगा था मुझे, तो जल्दबाजी में मैंने खाना खा के आ गया, बाद में फिर सोचा कि व्लॉग बनाऊंगा, क्या बनाऊं, मतलब व्लॉग में और क्या बनाऊं, खाना ख़त्म हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोता हूँ थोड़ा, क्योंकि कल संडे और परसों मंडे दिवाली है, आप सबको हैप्पी दिवाली, क्योंकि व्लॉग शायद तक दिवाली के दिन ही जाएगा, तो मैं थोड़ा सो के उठता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ, फिर आगे ये ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। 2000 years later गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे, और आपको विंड नॉइज थोड़ा आ रहा होगा क्योंकि मैं छत के ऊपर आया हूँ, और भाई साहब कल क्या ठंडा गिरा है इधर, आप मेरा आवाज़ से पता लगा पा रहे होंगे कि सर्दी मुझे बहुत हो गया, बहुत सर्दी हो गया मुझे, तो नाक पूरा चोक हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपना लंच दिखाऊंगा, बट लंच तो दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं खा के गया था, मैं आपको अपना डिनर शो कर दिया हूँ। और बस आज संडे, या संडे तो कुछ प्लान नहीं है वैसे, कहीं बाहर जाने का प्लान बना था, मूवी जाऊंगा सोचा, बट रहने तो ड्रॉप कर दिया, फिर मन नहीं किया जाने का। और ये जब सर्दी होता ना यार, पूरा चिड़चिड़ापन आता है इधर, क्योंकि सर्दी में आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हो, मतलब एक तो होता है, एक तो अलग टाइप का सेंसेशन होता है आप में कि नहीं यार ये नहीं होगा, ये वो, मतलब सब नेगेटिव थिंकिंग ही आता रहता है। और जो कि जितना भी मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ, सबको मुझे कॉलेज के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, एक्स वाई जेड सब, तो मैं सोचा हूँ एक अच्छा से डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊँगा, जिसमें मैंने जितना भी मेरे को जो क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू, सब क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा जितना बन पाता है मुझसे, तो उसका एक इसके मे बी मैं गारंटी नहीं देता, पर इसके बाद वाला ब्लॉग शायद उसी के ऊपर आएगा कि जो भी गीता कॉलेज के बारे में आपने मुझे क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर सब। आज शायद तक कुछ एग्ज़ाम है, इसी की वजह से सब बहुत स्टूडेंट्स आए हैं इधर एग्ज़ाम देने, और संडे का दिन ही खाली रहता है तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम देते हैं। तो आप देखिए ये अपना लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का ही ऊपर फ्लोर में सब एग्ज़ाम देते हैं, ये अपना फ्रंट बिल्डिंग, और इसका इसमें सब एग्ज़ाम देते हैं, और बाकी का अंदर अंदर कुछ होगा और मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप यहाँ पर देखिए अपना फाउंटेन आज खुला हुआ है, मतलब खोले हैं फाउंटेन के बारे में जैसे खोले हैं, मैं आपको बोल रहा था ये रहा वो फाउंटेन। ये अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अपने सीनियर्स जो थे, वो बनाए हैं ये फाउंटेन, तो वहाँ पर लिखा है दिस फाउंटेन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अन इलेक्ट्रिकल ग्रुप और वैसा कुछ। सर्दी हो गया ना, बात करते समय भी थोड़ा छींक आने लगता है, तो अभी मैं टेरेस पे तो आया हूँ, सो के उठा, और ठंडे के वजह से मैं बेडशीट यूज़ किया था, तो बेडशीट को अभी रखना पड़ेगा, कम्बल निकालना पड़ेगा, बना ठंडा बहुत होता है रात में इधर। तो वैसे तो आज है धनतेरस, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस, आप जाइए जो जो भी लाते हैं, जो रिचुअल्स होता है, गोल्ड वोल्ड कुछ भी लाते हैं तो आप गोल्ड वोल्ड लेके आए, और बाकी कल दिवाली है, कल परसों कब दिवाली है, तो दिवाली तो इस बार अपने कॉलेज में ही बन रहा है, आप दिवाली में तो घर में तो जा नहीं सकते हम, तो कॉलेज में ही दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर देंगे, और पटाखे में इतना जलाता नहीं तो इसलिए चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट घर में रहने से क्या अच्छे अच्छे डिशेस खाने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर इतने मिलेंगे बट इतने घर जैसा तो माहौल नहीं होगा ना, वही एक है जो खटकता है बीच में। 2 hours later तो अभी मैं पूरा नहा धो के फ्रेश होके पूरा गेटअप रेडी हो चुका हूँ, अभी जस्ट बैठा हूँ
तो अभी 11:08 हुए हैं, थोड़ा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा इन शॉर्ट, यूट्यूब में थोड़ा वीडियोस देखूंगा और स्टडी मटेरियल टाइप, और बाकी फिर लंच आ जाएगा, लंच कर लेंगे आज, लंच जल्दी, संडे लंच जल्दी आता है, 1:30 के आसपास, नहीं तब मैं जब हमारा 2:30 में लंच टाइम होता था तब 1:30 में आ जाता था, और इस बार 1:30 में ही आ रहा होगा, वेट कीजिए आगे देखेंगे क्या होता है। तो अभी हमारा जस्ट लंच ख़त्म हुआ, तो लंच का आज वो पकौड़े की सब्जी बनी थी, वेज में और नॉन वेज में अंडा बना था, बट मैं पकौड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं पकौड़ी खा लिया। तो अभी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। फिर अपना एक्चुअली मैं अपना फ़ोन का स्टोरेज खाली कर रहा था इसे ब्लॉग के इस ब्लॉग की वजह से, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जा रहा है, तो जितना भी जो पुराना फ़ोन का फोटोज़ है इसमें ट्रांसफ़र किया था वो उसमें मैंने अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो आपको फ़ैन का नॉइज़ आ रहा होगा, और अभी फ़ैन ऑफ़ करके तो नहीं बैठ सकता क्योंकि रात को ठंडा होता है इधर, पर दोपहर को भी बहुत गर्मी होती है क्योंकि भुवनेश्वर है तो उसमें वैसे फिर होता है। तो जैसे कि व्लॉग को शुरू करके अभी हो गया कर रहे 24 घंटे, कल भी खाना खा के आने के बाद से मैंने व्लॉग शुरू किया था, मतलब थोड़ा खाना खाने से एक दो मिनट पहले, तो अभी लगभग 24 आवर्स के ऊपर हो चुका है। तो अभी मैं बस एज़ यूजुअल अपने रूटीन में अभी थोड़ा रेस्ट करने आया, मैं अपना थोड़ा बहुत जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, और अभी मैं थोड़ा बहुत फ्री फायर खेलूँगा क्योंकि आप सबको पता होगा मैं पहले BGMI खेलता था, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था, बाद में वो BGMI बैन हो गया, और कॉल ऑफ ड्यूटी अभी लिमिट से ज़्यादा ही GB और MB का हो गया है। तो अभी मेरे रूममेट्स सब फ्री फायर खेलते हैं, वो अच्छे खासे खेलते हैं, तो मैं भी फ्री फायर इंस्टॉल कर लिया, फ्री फायर खेलूँगा, तो इसमें मैं अपना गेम प्ले थोड़ा बहुत अटैच कर दूँगा, थोड़ा बहुत तो अच्छा खेल ही लेता हूँ मैं, तो आप उसको देखना, और इसके इस जस्ट फुटेज के बाद ही मेरा आएगा गेम प्ले। 2 hours later Turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction, cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models to Kato, who fucking brought up the bottle. Some gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this, and now I'm on a mission like I'm Artemis, ayy. We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. Night, 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only going up, they loving us. Up in the booth, I'm getting dizzy, but ain't the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trick of bus. Looking at my watch, a spirit bomb, both hands is going up. We going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night. Yeah.
no introduction, cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle, who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am, burning buck smoke. 2 hours later. ये एक परफेक्ट सा कॉर्नर मुझे मिल गया है मेरे रूम में, जो कि मैंने अपने बेड को पूरा दीवार के साथ लगा दिया है, तो ये अच्छा सा क्या बोलते हैं, एक टू कोजी एरिया मुझे मिल गया है। और मैं थोड़ा बहुत जितना फ्री फायर खेला मैं इस ये जो फुटेज, इसके पहले वाले फुटेज में तो आप देखे होंगे, एक्चुअली उससे पहले थोड़ा बहुत मतलब जब खेल रहा था सोचा था डालूंगा कभी, तो फिर इतना नहीं डाला तो इसमें इसी ब्लॉग में मैं ऐड कर दिया। तो अभी हाँ फिर से ठंडा लगा इसलिए सब रूम का, अभी रूम में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो सब तीन फैन है, तीन फैनों को ऑफ कर दिया मैंने, भी इधर बैठा हूँ चुपचाप। मेरा जो इससे पहले जो व्लॉग्स मैंने डाले थे, जो कि एक है तो मैं बुरला का मतलब हीराकुंड डैम जो बुरला के साइड में वहाँ पर गया था, और उसके बाद अपना गाड़ी पूजा वाला, नहीं नहीं गाड़ी पूजा वाला, फिर वो बुरला जब गया था वो वाला व्लॉग मैंने डाला था। तो उसके बाद तो मैं अपने गाड़ी में कुछ तो मॉडिफिकेशन करवाया नहीं कि मैं उसका व्लॉग डालूँ, सोचा हूँ वो जो नहीं आता लीवर गार्ड करके, जो वो क्या नकल गार्ड नहीं, ओनली लीवर गार्ड जो साइड में रहता है बेसिकली, वो सब Z900 जैसा मतलब उसके साथ अच्छा इंटीग्रेट होता है। तो मेरा गाड़ी का भी बॉडी शेप कुछ Z900 के जैसा ही है FZ25 का, तो सोचा हूँ मैं जब इस बार घर जाऊँगा तो वो डालूंगा मैं, नकल गार्ड क्या उसका ना, लीवर गार्ड डालूंगा। और बस और कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा। हाँ जो टेपिंग नहीं होता टायर में वो भी एक बार मैंने सोचा हुआ, एक दो फोटो मैंने रखा हुआ है अपने फ़ोन में कि इस तरह का करूँगा टेपिंग टायर में, वो उसका श्योरिटी मैं नहीं लेता, मे बी वो मैं कर सकता हूँ या फिर मैं वो पापा के ऊपर देखेंगे। और एक तो थोड़ा बहुत मेजर मॉडिफिकेशंस होगा, हेजर्ड लाइट्स मैंने लगवाऊंगा, हेजर्ड लाइट्स और एक तो एलईडी इंडिकेटर का मैंने बातचीत किया है, तो वो मे भी डिले हो सकता है, बट इस बार जब जाऊंगा तो हेजर्ड लाइट तो लगवा ही दूंगा, तो उतना कंफर्म लग रहा है, होप सो, इतना तो प्लान बना है, बट जब जाएंगे तब देखेंगे। इस बार मुझे लग रहा है हमारा छुट्टी डायरेक्ट क्रिसमस में होगा, क्रिसमस से न्यू ईयर तक का छुट्टी होगा शायद, वो भी कन्फर्म नहीं हूँ मैं। और थर्ड ईयर का पढ़ाई तो शुरू हो गया, तो अभी विद इन मतलब ये ईयर कंप्लीट होते होते अपना कैंपस आएगा, कैंपस के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो उसी की वजह से और ब्लॉग और नहीं बना पा रहा हूँ मैं, इसलिए ये जस्ट रैंडम ब्लॉग की तरह, मैं डेली ब्लॉग जैसे करते हैं ना उनकी तरह मैं बना दे रहा हूँ। तो कल दिवाली है, दिवाली में हाँ दिवाली से याद, अपना कॉलेज बहुत सुंदर सजाए हैं, तो ये ब्लॉग को मैं यही रखता हूँ, इस ब्लॉग में ज़्यादा खास नहीं था, बट यही छुट्टी में हम क्या करते रहते हैं उसका एक तो छोटा सा ब्लॉग था, और वो दिवाली वाला जितना भी ब्लॉग होगा डेकोरेशन वो इसके अगले वाले ब्लॉग में आएगा। तो ये ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरा 1000 सब्सक्राइबर हिट करने का टारगेट था, उसको आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, 500 मतलब 600 के आसपास का मेरा सब्सक्राइबर काउंट चल रहा है अभी, और 400 सब्सक्राइबर चाहिए, आप चारों तरफ शेयर कीजिए और पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।